जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक नाम, जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम, फलों के वैज्ञानिक नाम, सब्जियों के वैज्ञानिक नाम आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं हमेशा, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। फनी ट्रिक बताने वाले हैं दोस्तों आज हम। सबसे पहले आपको बताना है दोस्तों गाय, गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, बॉस इंडिकस। अब आपको याद कैसे रखना है, आपको पता है इंडिया की बॉस कौन है, गाय। गाय इंडिया की बॉस है, तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, बॉस इंडिकस। ठीक है, आपको याद रख लेना ये है गाय और इंडिया की बॉस है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको याद रख लेना कि गाय तो क्या है, बॉस है इंडिया की, तो बॉस इंडिकस। ठीक है, याद हुआ, नहीं हुआ तो लाइक करें। ठीक है, कुत्ता का बताना है दोस्तों। अब आपने देखा होगा कि आजकल कुत्ते भी क्या बन जाते हैं, फैमिली के मेंबर बन जाते हैं। बोलते हैं ना लोग, बोलते हैं कि मेरा फैमिलियर डॉग है ना, इसलिए तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, कैनिस फैमिलियर्स, है ना, कैनिस फैमिलियर्स, ये मेरा फैमिलियर्स डॉग है। देखें कैसे फैमिलियर्स डॉग आपको चित्र में दिख रहा होगा, फैमिलियर्स डॉग। तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि जो कुत्ता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फैमिलियर्स डॉग। ठीक है, फैमिलियर्स, कैनिस फैमिलियर्स, ऐसे याद करना है। अगला है दोस्तों बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपने देखा होगा आपके घरों में बिल्लियां फैली रहती हैं, बिल्लियां फैली रहती हैं घरों में, तो फैली रहती हैं तो फैलेस डोमेस्टिका, डोमेस्टिका यानी घरेलू है, तो घरों में फैली रहती हैं तो फैलेस, तो बिल्ली फैली रहती हैं घरों में, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फैलेस डोमेस्टिका। ठीक है, तो याद रख लेना है, चित्र के माध्यम से देखें घरों में बिल्लियां फैली रहती हैं। और भी देखें दोस्तों, मक्खी का बताना है आपको, मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो वो है दोस्तों मस्का। आप लोग घरों में देखते होंगे, मम्मी लोग कितनी भी सफाई कर लें फिर भी एक आध दो जो मच्छी होती हैं वो मस्का लगाए बैठी रहती हैं, है ना, कि मुझे खाना मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ मिलेगा, तो मक्खी क्या लगाए बैठती है, मस्का, है ना, मस्का लगा देती है। तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टा, मस्का डोमेस्टा। अब आपसे कोई पूछेगा मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप याद रख लेना, घर में बहुत सफाई करते हैं लेकिन मक्खी मस्का लगा देती है। ठीक है, हाँ, अगला है दोस्तों घोड़ा का वैज्ञानिक नाम। तो घोड़ा आप देख रहे हैं चित्र में, बहुत सारे घोड़ा हैं। अब आप बोलोगे सर मैंने एक बस बोला था, मैंने एक बस बोला था घोड़ा लाने को, लेकिन आपने तो बहुत सारे घोड़े ला दिए, तो घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, एक बस कैवेसल, एक बस कैवेसल, मैंने तो एक बस घोड़े को बोला था, आपने तो बहुत सारे ले दिए, तो घोड़े का वैज्ञानिक नाम एक बस कैवेसल। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट दोस्तों ऊँट का, अब ऊँट का तो आप कैमल बोलते ही हैं, ऊँट को कैमल बोलते हैं, तो ऊँट का कैमेलस डोमेडेरियस, है ना, कैमेलस डोमेडेरियस, तो ये तो आपको याद ही है। अगला देख लेते हैं मेंढक। अब मेंढक आपने देखा दोस्तों चित्र में, सभी लोगों ने देखा होगा मेंढक, किसने नहीं देखा मेंढक, सभी ने देखा होगा मेंढक क्या करता है, टिर्र टिर्र करता है, टिर्र टिर्र करता है, कब, रैन को, रैन मतलब रात्रि को, रात्रि को करता है, तो राना, राना ट्रिगना, टिर्र टिर्र करता है, इसलिए ट्रिगना, राना ट्रिगना इसका क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, भूलना मत। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। बाघ का बताना है आपको, बाघ जो अपना राष्ट्रीय पशु है, बाघ, इसका बताना है क्या हो जाएगा, बाघ, तो बाघ को हम क्या बोलते हैं, टाइगर, टाइगर बोलते हैं, तो सीधा सा है पैंथ्रा टाइग्रेस, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथ्रा टाइग्रेस। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला जो है दोस्तों मनुष्य, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देना, मनुष्य का होमो सेपियंस, हम बोलते थे कि जो ज्ञानी मानव, इतिहास में पढ़ते ज्ञानी मानव का जन्म हुआ जिसे होमो सेपियंस कहते हैं, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। ठीक है, हाँ, अब भैंस का बताना है दोस्तों, भैंस, तो भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो वो है बोबालस बोबालिस, बोबालस बोबालिस। अब यहाँ पर आप चित्र में देखो, एक गंदे पानी में भैंस क्या है, लोरी हुई है, और जब गंदे पानी से निकलेगी तो इसके जो शरीर है उससे बू आने लगेगी, बू, तो इसे क्या कहेंगे, बोबालस बोबालिस। ऐसे ही जो भैंस है गर्मियों के दिन में, इसको गर्मी बहुत लगती है तो ये गंदे पानी में भी लोर जाती है ना, और लोरी रहती है,
तो इसके शरीर से बू आने लगती है, तो भैंस को बोबालस बोबालिस ऐसे याद करना है भैंस के, ठीक है। अगला है दोस्तों हाथी, हाथी आपने देखा होगा हाथी मेरा साथी, तो हाथी को क्या बोलते हैं एलिफेंट, तो एफिलॉस इंडिका, एफिलॉस इंडिका, ठीक है, लॉस नहीं करना हमें हाथी को इंडिया से, तो एफिलॉस इंडिका हाथी का वैज्ञानिक नाम है, याद करना है सभी लोगों को। मक्का देखें दोस्तों, मक्का सभी लोग खाते होंगे, अगर मक्के के भुंटे मिल जाएं तो आप लोग बड़े मौज से खाते हो कि नहीं खाते, खाते हो, तो मक्का जियो मौज से, मक्का के भुट्टे खाओ और जियो मौज से, ये मक्के के भुट्टे हैं सभी लोग खा लेना, मक्के के भुट्टे खाओ और जियो मौज से, तो मक्का का वैज्ञानिक नाम जियो मेज, ठीक है, जियो मेज। अगला बाजरा, बाजरा आपने नाम सुना होगा, एक फसल का नाम है दोस्तों बाजरा, तो बाजरा आप देखें चित्र में, इसकी जो नोक है, इसका जो भुट्टा है उसकी नोक देखो पैनी पैनी दिख रही, पैनी पैनी दिख रही कि नहीं, यहां से आप देखें नोक, तो बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा पेनिसेटम अमेरिकोनम, बाजरा का पेनिसेटम अमेरिकोनम, ये चीज याद रखनी, इसकी पैनी रहती है नोक किसकी, बाजरा की, ठीक है, बाजरा है ना, और ये कहाँ नहीं मिलता, बाजार में नहीं मिलता बाजरा, ठीक है, ये अमेरिका के बाजार में मिलता अमेरिकोनम, ठीक है। अब दोस्तों हमने आपने टमाटर पढ़ना है, टमाटर, टमाटर यहाँ पर क्या लिखा है टमाटर, टमाटर। अच्छा एक बात बताना, आप टमाटर लाइक करते हो कि नहीं, करते हो सभी लोग करते हो है ना, तो टमाटर को लाइक करना है, तो लाइक को प्रेसिकन एस्कुलेंटम है ना, लाइक को प्रेसिकन एस्कुलेंटम, सभी लोग टमाटर लाइक करते तो लाइक को प्रेसिकन, ठीक है, याद रख लेना। या फिर ऐसे बोल देते हैं टमाटर अगर कोई लाया है घर में और अगर सड़े निकल जाए तो बोलते लाइक को है, लाई को है टमाटर, तो लाइक को आपको लाइक करना है सिर्फ, है टमाटर को लाइक, लाइक को परसे। अगला है दोस्तों अदरक, अदरक को क्या बोलते हैं जिंजर बोलते हैं इंग्लिश में, जिंजर, तो सीधा सा तो है जिंजीबर ऑफिसिनेल, ऑफिसिनेल है ना, और ऑफिस में क्या मिल जाए अदरक की चाय मिल जाए आपको बस ठंड के दिनों में, अब बोलोगे यार अदरक वाली चाय लेकर के आओ, अदरक वाली, तो ऑफिस में आपको अदरक वाली चाय लेके आना है जिंजर वाली, जिंजर, तो अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा जिंजीवर ऑफिसिनेल, ठीक है। अगला है दोस्तों गाजर, अब गाजर तो आप लोग सभी खाते हैं और कैरेट बोलते हैं इसे, कैरेट, तो डाकस कैरोटा, कैरोटा, कैरेट से कैरोटा, ठीक है, गाजर का वैज्ञानिक नाम डाकस कैरोटा, अब तो इसमें कोई याद नहीं रखना ना, कैरोटा सीधा तो है। अगला देखते हैं मूली, मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों रेफेनस सेटाइबिस, क्या है रेफेनस सेटाइबिस, तो सभी लोग बता देना कि मूली के बहुत सारे लोग क्या होते फैन होते हैं, मूली के फैन होते हैं सभी लोग, सभी लोग खाते हैं, लेकिन एक बात और है मूली जब खाते हो तो क्या बनती है गैस बनती है, बनती है कि नहीं गैस बनती है, और जब गैस निकलती है तो सभी लोग बोलते रे फैन चलाओ, फैन, फैन चलाओ तभी सेटाइल सेटलमेंट होते हैं ना, तो फैन, रे फैन चलाओ, तो मूली का रेफेनस सेटाइवेस इस प्रकार से, कुछ लोग फैन भी होते हैं मूली के बहुत खाते हैं है ना, तो ऐसे याद करना है। सेब, सेब का बताना है दोस्तों आपको, सेब का क्या है सेब खाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सेब खाओ आपकी मसल्स बन जाएंगी है ना, कुछ लोग बोलते हैं सेब अगर आप खाते हो तो इसका मेल निकाल देना, पहला क्या निकाल देना मेल, तो आपको याद करना है कई के लिए मसल्स बनाने के लिए, सेब खाओ तो मसल्स यानी कि मेलस पौमिया या फिर मेल निकाल देना, सेब का मेल निकाल देना फिर खा लेना, ठीक है, तो अपन धोते ना मेल निकाल देते इसका, तो मेलस पौमिया, सेब को क्या बोलते हैं मेलस पौमिया, याद रख लेना, याद हो रहा हो तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। अब आपसे पूछा जाएगा हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है, हल्दी सभी लोग खाते हैं, हल्दी रोज खाते हैं है ना, सब्जियों में हल्दी डाली जाती है और हल्दी काम में भी आती है, अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए और खांसी हो जाए तो घर वाले बोलते हैं कि हल्दी का दूध दे दो, हल्दी डला दूध दे दो है ना, और आप रात भर करते हो खुक 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 कुरकुर करते हो, पापा बोलते कुरकुर मत कर हल्दी वाला दूध पी ले, बोलते ना, तो कुरकुमा और लौंगा है ना, बोलते हैं कि लौंग दबा ले थोड़ी सी, और बोलते आपने देखा होगा कि एक लौंग दबा ले मुँह में जिससे कुरकुर नहीं होगा, खांसी नहीं चलेगी, तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा, याद रख लेना। अगला है दोस्तों अंगूर, अंगूर को बोलते हैं बिटियस,
और आपने देखा होगा कि अंगूर की खेती को बोला जाता है बीटी कल्चर। क्या बोलता है? बीटी कल्चर। तो इसका वैज्ञानिक नाम भी क्या होगा? बीटीएस। और आपने देखा होगा क्या, अंगूर बहुत सारे लोग खाते, आपके तो जीभ में भी पानी आ गया होगा, नहीं आया है तो खा लेना अंगूर। अंगूर को बोला जाता है बीटी कल्चर इसकी खेती के लिए, तो बीटीएस इसका क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको फनी लगा है ना, या ट्रिक जो आपके हो है फनी लगी है, तो वीडियो को लाइक करके बता देना कि सर हाँ ऐसे ही बहुत सारी ट्रिक बनाओ, और बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपको मैं याद करवा दूंगा चुटकियों में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।